गर्मी होती है तो इससे भी ज्यादा खोलता। ये साला ना बाइक के, ओ भाई साहब रख गिरी है मॉर्निंग में पूरी, इसको काट दो इसको, पता नहीं घर वालों को, बैठे ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। और बाहर का मौसम और ज्यादा मोटी हो गई ना। हाँ मुझे लगता है दिन बना दिया आज स्नो ने, फुल पैसे वसूल हो गए। अच्छा हुआ चेकआउट नहीं किया आज। तो दोस्तों मौसम कुछ ऐसा हो रखा है इस समय, तो गाइस मतलब ये मान लो ना कि थोड़ा एडवेंचर के हिसाब से देख रहे हैं, देखिए फैमिली भी है हमारे साथ में जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक मंदिर है थोड़ा सा आगे, वैसे हमें पता नहीं था, इन्होंने ही बताया हमको, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 1.25 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, इस पर ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, वहाँ पर गर्म पानी की झील है, तो इतना ही, अभी चलो और देखो आप तो वहाँ जा रहे हैं। चलिए नीचे मिलता हूँ सब। तो दोस्त गाइस निकल चुके हैं यहाँ से, 1.5 किलोमीटर है, ट्रैक कर रहे हैं, है रिस्की, बस ये क्या रोक के मतलब घर में बैठने से अच्छा है कि भाई होटल में बैठ के टाइम वेस्ट करेंगे, बिस्तर में घुसे रहेंगे, तो इससे जाएंगे तो ठंड तो लगेगी पर एंजॉयमेंट होगा। तो अभी आगे देखो, अभी ये प्लान ये तो पूरा हुआ नहीं, हम जयपुर की प्लानिंग बनाने लगेगा, भाई जयपुर आना तो करेंगे, तो प्लानिंग होती है ये, हाँ ये चीज तो है। चलो एक फैमिली में आए हो ना आप, यहाँ पे घर वालों को इन्फॉर्मेशन में आए हो ना आप, हाँ फिर ठीक है, एक फैमिली और मिली है जो ये भी जयपुर झोटवाड़ा से ही है। नहीं मैं पूछ लेता हूँ, क्यों एक बार से ब्लॉग कर रहा था मैं, एक फैमिली बोले भाई साहब इसको काट दो इसको, पता नहीं घर वालों को, ठीक है वैसे मैं काट, ओ शीट 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 देखो वो बंदा अभी जस्ट अभी अभी स्लिप हुआ है बाइक से, बंदा यहाँ पे देखो अभी स्लिप हुआ है, देखो ये इसको बीच में स्टार्ट करते रहना, इसकी बैटरी बैठ जाएगी जल्दी बैठ। तो चल रहे देखो अभी पीछे की तरफ हुआ, यहाँ पे ये बाइक वाले भैया आ रहे थे, ये स्लिप हुए अभी आ रहे, वो उतर करके लेके जा रहे हैं, और ये चलो खैर 4x4 गाड़ियाँ आ रही है बहुत, मतलब ये रोड पे चलने में थोड़ा रिस्क तो है। हाँ वो करके जाएगा, उसका कुछ वो नहीं है, साइड में निकल जाए, हाँ तो पूरा गीला कर दिया, हाँ तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, साइड में हो, वो नहीं रुकेगा ना, रुकेगा तो स्लिप करने लगेगी उसकी। तो इनका शुभारंभ हो गया यहीं पे। चलो दो लेयर है ना आपकी, नहीं लेयर तो है, मेरे शूज तो है ना आपके जैसे नहीं है, शूज के ऊपर भी पानी गया क्या है, चलो वो बर्फ वाला ले लेंगे, तो जितना सेफली है उतना जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई देखो छाता वाता ले लिए है, छाता लेके चल रहे हैं, है तो खैर वो भाई देखो अगर देखा जाए, अच्छा अच्छा मौसम है, तो कैमरा बचा सही है, कैमरा हो गया मेरा कवर हो गया पूरा, हम लोग ये सब वीडियोस में देखते थे किसी की, कहते कितना मजा आ रहा है, आज हम लाइव स्विटरलैंड का हम भी लेकर आ रहे हैं, मतलब ये देखो लोग यही बोली कि देखो ऐसा लग रहा है कि वाटरफॉल चल रहा है, बर्फ पे शिफ्ट कर लो खुद को, देखो आराम आराम से चलना, गाड़िया किस तरह से कवर हुई है, चांदनी के गाने पे वीडियो ना बनाएंगे क्या फायदा। चलो थोड़ा आगे और चलते फिर मिलता हूँ। ये देखो भाई ये बर्फ है, रात भर के अंदर इतनी बर्फ गिरी है मॉर्निंग में, पूरी गाड़ी के ऊपर आकर के पूरी कवर कर लिया बेचारे, जैसी गाड़ी होगी मतलब अगर वो नहीं आके देखेगा ना तो सर शाम होते तो पूरी गाड़ी कवर हो जाएगी, ये पूरा का पूरा टूट के इसके ऊपर आ गया है, आप खुद को बचाओ, मैं तो गिरूंगा तो मेरा तो है ही, जहाँ रिस्क है वहाँ पे रिस्क है, हाँ मैं गिरूंगा तो खुद गिरूंगा, याद है शिमला में कैसे गिरा था मैं, गिर गया दम, रुक जाओ मैं जहाँ पैर का निशान बनाऊंगा ना वहाँ पैर, अरे मैं आपको
इस तरह का बहुत प्यारा मौसम। और जितना घूमा पे आपने उतना ही अल्टीमेट है, कोई उसमें वो नहीं है। मैं देखो आगे चलते हैं, आगे देखो यहाँ तो क्या देखोगे यार, बहुत देख लिया आपने। चलो 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 उठाओ उठाओ, ये छाता होता वही उल्टा वही है। देखो रेडी से मुझे एक बात याद है भाई, कहता कोई भी शादी करने जाना ना सॉरी कोई भी शादी करना ना नैपकिन साथ में लेके जाना, ये धोखा होता है। बोला अभी रेडी हुई है ना, अभी उतारेंगे तो उसमें फेस देखना फिर। अभी मैंने देखा मैंने देखा यार, ब्लश करने लग गई आप। तो फिर वो उन्होंने क्या बोला, क्या लगाई हो आप? आज तो ब्लशर नहीं लगाया है मैंने। तो पिंक पिंक हुआ ना इसके लिए, मतलब कुछ लगाते हैं मुझे पता नहीं है, लड़के हैं ना जब वो ब्लश करने लगती है वो। तो देखो दोस्तों आपको खुद ही पता होगा, मैं तो क्या बोलूं। मैं दिमाग में आया भाई, देखो ये चीज का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है ना क्रॉस करना है। गुन्नू भी चलो, मुझे तो ये उम्मीद नहीं था कि गुन्नू चल रही। उधर पीछे निकल जाओ, उधर निकलो, रोड पे आओ। बहुत यहाँ पे हेडक है भाई, यहाँ पे निकलना, जहाँ पे पैरों के निशान है वहीं पे रखना, नहीं तो जूते में चला जाएगा आपके। क्रॉस कर लो बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक दूसरी बाइक, एक पहले के व्लॉग में आपने देखी होगी, क्या पता इसमें आएगी, मैं साहब बाइक ही ढांग दी बंदे ने। ये साला ना ये बाइक, ओ भाई साहब ये बर्फ गिरी ऊपर से आवाज है जो, ये बंदा पैसा देखे नहीं गया होगा इसलिए इसकी बाइक टांग दी यहाँ पे। बोले साले पैसे नहीं देके जा रहे, तेरी बाइक टांग देते हैं उसकी बाइक ही टांग दी। बोले पैसे दे दियो बाइक ले जाना, वो बेचारा भूल गया होगा या नहीं आ पाया होगा। वो बेकार, ओ यार वो ऊपर से बर्फ गिरी, निकलो से यहाँ से, जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो, ऊपर से बर्फ आ रहे हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब ऐसे स्नो में आप चलते हो ना, तो जो भी ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो ऊपर दिख रही है, आप ये कोशिश करना कि भाई इसके नीचे से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ऊपर से आइस रहती है जो टूट टूट के नीचे आती रहती है, जो स्लस बन जाता है ना ये। क्या बात है यार, कार आ रही है, ओ शिट ये पानी उड़ाएगा पानी उड़ाएगा पानी उड़ाएगा। तो यहाँ रुके रहते हैं, फोटो सेशन वगैरह कर लिया। फोटो अगर आपको देखनी है तो सिमरन की आईडी पे जाकर देखने को मिलेगा, मैं तो खैर डाल नहीं पाता हूँ, तो यहाँ पे फोटो और रील्स वगैरह हुई हैं। सिमरन की आईडी मैं अब दे दिया करूँगा आपको, जहाँ से आप उनको फॉलो भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो यार चलते हैं आगे, क्योंकि आगे की चीज़ों को और देखना है। तो बस ये मार्केट आ गया है, और मंदिर की अगर बात की जाए तो मात्र इस मार्केट से 250 मीटर है। वैसे खाने पीने की बहुत कुछ चीज़ें हैं अगर आप आते हो, और बहुत फूडी हो तो नॉन वेज वेज टी कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा आपको। देखो मौसम है तो मौसम के अकॉर्डिंग देखोगे तो थोड़ा आपको हो सके रेट ऊपर नीचे मिले, पर कुछ भी कहो यार यहाँ पर आके खाने में, मतलब यहाँ बैठ के खाओ मैगी अगर खाना है तो, मैगी का मज़ा यहाँ पे है। अब आप यहाँ पे तो अंधेरे में देख पा रहे होगे कि कितनी अच्छी खासी स्नो गिर रही है, मज़ा आ रहा है सिमरन। तो रियलिटी में है अभी, खैर जैसे अभी आपने अंधेरे में देखा तो यहाँ पे दिख रही, सुनो अगर आप वैसे इधर देखोगे ना तो ये पीछे पूरा पहाड़ है, अगर गौर से आप नजर करते हो तो पूरा पूरा पहाड़ है और पूरा स्नो से कवर हो चुका है ये। कह रहा सुनो तो बहुत ही ज्यादा, खैर चलते हैं आगे मंदिर पे मिलते हैं भाई साहब आपसे। तो दोस्तों वशिष्ठ टेम्पल पहुंच गए हैं, थोड़ा मुझे खुद को भी कवर करना पड़ रहा है ये। ये भी है, दो तीन मंदिर हैं, देखते हैं। जी सर भोले बाबा जी का मंदिर, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। बर्फ देखो इतना नहीं है, कितनी मोटी लेयर है, ये पूरी लेयर गिरी हुई है जी। ऊपर राम जी का मंदिर है और एक टेम्पल इधर भी है, वो भी देखते हैं कौन सा। ये महर्षि वशिष्ठ मंदिर का पवित्र प्रांगण है, ये देख लो आप यहाँ से ना, आप थोड़ा रोक के वीडियो पढ़ लेना, पूरा पढ़ने का टाइम मिल जाएगा ना इस मंदिर का। तो चलते हैं थोड़ा सा
एक तो कहीं भी कुछ भी रख दो भाई साहब, तुरंत बर्फ की जम जा रही है इसमें। इधर है कुंड गर्म पानी का है, लेकिन आप नहीं आ सकते। क्यों? महिलाओं के लिए। तो फोन लेके चले जाओ। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप आते हो और स्नो आपको दिख रहा है और स्नो में आ रहे हो ऊपर ना, तो नीचे से ही मतलब मनाली से ले से अंदर से लेके अंदर से ही कौन से ही आप है ना शूज वगैरह लेकर के आओ, इसका आप खास तौर से ध्यान देना। और कुछ भी गर्म कपड़े चाहिए, छाता वगैरह चाहिए, बर्फ बर्फ गिरे तो साथ में कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांगते हैं लोग, तो इसका ध्यान रखो। अगर आप ये लेके आओगे तो सुकून से आराम से घूम पाओगे यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा चलते आगे घूम के आते हैं। वैसे यहाँ पे जो कुंड है उस कुंड के अंदर क्या सिर्फ लेडीज अलाउ है। ये कुंड है, वैसे कैमरा वाला नॉट अलाउड है, अंदर नहीं लेके जा सकते, तो सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिला अंदर आ सकती है। इसमें कुंड जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसा बना हुआ है, और बिल्कुल मैं अभी देख के आई, खोलता हुआ मतलब खोलता हुआ नहीं, नॉर्मल जैसे आता है लोग नहा सकते हैं। और अंदर जो है ना यहाँ के लोकल बता रहे हैं गर्मी होती है तो इससे भी ज्यादा खोलता पानी निकलता है, मतलब करिश्मा है। और मैंने पूछा ये कहाँ से आता है, कह जमीन से खुद ब खुद प्राकृतिक पानी आता है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ तो है। जो जगह है ऐसा क्या नाम है? वशिष्ठ मंदिर है। ठीक है, तो आप मनाली आते हो, ओल्ड मनाली के अंदर वशिष्ठ मंदिर है, यहाँ पे जरूर घूमने आओ। यहाँ घूमने आओगे तो बहुत अच्छी जगह और वो चीजें मिलेंगी। मुझे लग रहा है जो भाप निकल रहा है वो वही पानी है जो वहाँ से निकल कर जा रहा है। क्या कैमरा अलाउड नहीं है और जेंट्स अलाउड नहीं है? थोड़ा अच्छा ऊपर है जेंट्स के लिए, तो आप जाओ ना। मैं ऊपर जाके आता हूँ भाई, देखो इधर तो नहीं जा सकता, मैं ऊपर जाकर के आता हूँ। वहाँ पे है जेंट्स के लिए।